यूपी टीजीडी पीजीटी का इंटरव्यू वीडियो नंबर 22। तो ये वीडियो यूज़फुल रहेगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त मतलब सार पहले कुछ बता चुके हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि जनसंख्या एंड साक्षरता वगैरह उसके बारे में कुछ आ चुका है कुछ पॉइंट, ठीक है। एक वीडियो इसमें पहले आ चुका है। अब बात आती है कि इसमें हम थोड़ा जनरली सिटीज़ के बारे में, किस शहर में कहाँ क्या किस लिए फेमस है, तो वो ज़्यादातर चीज़ें पूछ ली जाती हैं ना। तो जनरली आप शिक्षा जगत से हैं, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, तो पहले तो पूछा जाएगा कि मंडल कितने हैं। तो मंडल ध्यान रखिएगा 18 मंडल होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। मंडल आप कौन से मंडल से बिलोंग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, आप कौन से मंडल से आते हैं, ठीक है। आपके मंडल में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। आप किस ज़िले से हैं, आपके ज़िले में कितनी तहसीलें हैं, ठीक है। तो ये आपको कन्फर्म होना चाहिए ज़िले में कितनी तहसीलें हैं। जनरल सी बात है कि पूछ लिया था तहसील कितनी है, मतलब आपके यहाँ में कितनी तहसील हैं, ठीक है ना, आपके ज़िले में। तो वो पता होना चाहिए कि हड़बड़ाहट ना हो, कि आसानी से बता ले जाए। पहले से पता रखिएगा कितनी है, 5 हैं, 6 हैं, कितनी है, ठीक है। कहीं कहीं 4 होती हैं, कहीं 5, 6, 7 तक भी हो जाती हैं, ठीक है। और अपने यहाँ की कुछ विशेषताएं, ज़िले की विशेषता बताइएगा। जैसे कि मैं यूपी वाइज थोड़ा थोड़ा जो भी ज्ञान है थोड़ा बहुत बता देता हूँ, किसके ज़िले में क्या क्या है। जैसे कि अब बातें, आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है। रायबरेली कहीं के लिए फेमस है, तो रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री लगी हुई है अभी कुछ ही टर्म पहले लगी है। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन सा बना हुआ है अभी जल्दी में ही, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, के नाम से बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि कुछ ज़िला है, जैसे बांदा है, बांदा में अभी जलने कुछ ही टाइम पहले वो बना हुआ है कि कृषि विश्वविद्यालय बना हुआ है, ठीक है। उससे पहले 3 कृषि विश्वविद्यालय यूपी में थे। पहला था एक आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में था, और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, CSC कानपुर था। एंड एक था वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदी नगर मेरठ में था, ठीक है। अभी बांदा में एक और संचालित हो चुका है, ठीक है। तो बांदा में एक और संचालित हो चुका है, और जनरली कुछ ही टाइम पहले अभी 2 इंजीनियरिंग कॉलेज यानी 2 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो जो पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे थे उनके साथ साथ 2 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी बने हैं, ठीक है। तो एक बना है बांदा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और दूसरा बना है बिजनौर में। तो कुछ टाइम पहले तो उनका संचालन यानी बिल्डिंग बन रही थी, क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। क्लासेस उन लोगों की यानी बिल्डिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कैंपस HBTI कैंपस कानपुर में ही क्लासेस का संचालन हुआ था, 2 साल तक वही चला। उसके बाद उनके अपने कैंपस में उनको भेज दिया गया है, ठीक है। तो कुछ है शायद बिजनौर वाला भी अपूर्ण है, वहाँ पे वह अभी नहीं चल रहा है, तो वो HBTI कैंपस से ही चल रहा है, ठीक है। HBTI जो कानपुर है, HBTI हरकोट बटला टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट, बहुत पुराने टाइम से यानी कि अंग्रेज़ों के नाम से भी अभी बना हुआ है, तो वो भी अब टेक्निकल विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। अब बताती है कि कानपुर से ही कुछ बातें ले लेते हैं, जैसे कि कानपुर वालों का इंटरव्यू शुरू में लगा हुआ है तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, दलहन तो ये है कल्याणपुर कानपुर में, ये BCSC चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक पार्ट है। और कानपुर में क्या है, IIT कानपुर है ना, IIT कानपुर है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, एंड CSA हो गया, HBTI हो गया, ठीक है, दलहन अनुसंधान संस्थान हो गया। ये फेमस चीज़ें हैं, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस माना जाता है कानपुर, ठीक है। तो किस उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, जूतों का काम यानी चमड़ा उद्योग से रिलेटेड, ठीक है। आगरा में भी वही है, आगरा का भी फेमस है जूता, एंड कानपुर में चमड़ा उद्योग, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर, यह भी एक अच्छा पॉइंट है बताने लायक, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है,
ठीक है, आप बात आते हैं किसी और ज़िले में पहुंचते हैं, जैसे कि लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ में क्या गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मण जी द्वारा बसाई गई नगरी यानी लक्ष्मणपुरी था। ठीक है, क्या नाम था इसका? लक्ष्मणपुरी। बाद में इसको लखनपुरी कर दिया गया, लखनपुरी से बाद में नाम क्या कर दिया गया है इसका? लखनऊ रख दिया गया। ठीक है, तो अभी अभी कुछ लोगों ने मांग की थी, डिमांड की थी कि जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्राचीन टाइम में किसने रखा था, कि अकबर के ने एक धर्म चलाया था इलाही, सम्राट अकबर के ने एक धर्म चलाया था इलाही धर्म, उसके नाम पर उसका नाम इलाहाबाद रखा था। ठीक है, इलाहाबाद जो नाम पड़ा था, प्रयाग का नाम इलाहाबाद पड़ा था, वो इलाहाबाद इलाही धर्म के नाम पे पड़ा था। तो अब कैबिनेट में फैसला आ चुका है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में लखनऊ का नाम भी परिवर्तित करने के लिए यानी लक्ष्मणपुरी करने के लिए लोगों ने ज़ोरदार आवाज़ या अपील की थी। ठीक है, तो यहाँ से नोटिशन पता लग रहा है कि उसका प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, और कन्नौज वाले बता सकते हैं आपके यहाँ का क्या फेमस है। जानते हैं कि कन्नौज यानी कि प्राचीन नाम क्या था? कान्यकुब्ज था। और जनरली कन्नौज का इत्र फेमस होता है। ठीक है, और जयचंद के का नाम प्राचीन इतिहास से काफ़ी यहाँ से फेमस है। ठीक है, राजा जयचंद के रही है राजधानी कन्नौज। ठीक है, अब आगे बात बनती है कि और किसी जिले से पहुंचते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में आ जाए भाई। प्रयागराज अब इलाहाबाद नाम नहीं रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी केंद्रीय ऑफिस हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी शिक्षण संस्थानों के भी ऑफिस बने हुए हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफिस के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश निदेशालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय, सॉरी, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय को जनरली लोग वहाँ पे बोर्ड ऑफिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसमें तीनों शिक्षा निदेशालय हैं। तो प्रारंभ में प्राचीन पहले टाइम में स्टार्टिंग में यानी कि वो एक ही नाम से जाना जाता है, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। अब उसको अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एंड उच्च शिक्षा निदेशालय। यानी कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अलग अलग पार्ट हैं उसके। तो कुछ एक पार्ट में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय चल रहा है, द्वितीय में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एंड उच्च शिक्षा निदेशालय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद का संचालन वहीं से हो रहा है एंड बेसिक शिक्षा परिषद का भी संचालन वहीं से हो रहा है। ठीक है, बेसिक शिक्षा निदेशालय के टर्म में बेसिक शिक्षा परिषद का भी संचालन उस वहीं से हो रहा है एंड उच्च शिक्षा निदेशालय के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा निदेशालय का भी संचालन वहीं से हो रहा है। ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफिस के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस स्थान है इलाहाबाद के लिए। दूसरा आता है कि इलाहाबाद में क्या क्या चीज़ें और हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में स्थापित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है एंड सिपाही आबकारी वाला डिपार्टमेंट्स है, और शिक्षा के में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो है ही है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी यहीं पे है, इलाहाबाद में भी है। ठीक है, और अब बात आती है कि आसपास की और कोई सिटी, यानी कि इलाहाबाद को संगम नगरी कहा जाता है, गंगा और यमुना नदियों के संगम के किनारे इलाहाबाद नगर बसा हुआ है। ठीक है, और उसके आगे किसी नगर पे पहुँचते हैं, जैसे कि फैजाबाद। फैजाबाद को जो है अयोध्या यानी कि उसी के मतलब फैजाबाद ज़िले में ही अयोध्या आता है, जो राम जन्मभूमि के नाम से विख्यात है। ठीक है, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि वगैरह। फैजाबाद में एक है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, तथा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी कि दो वहाँ पे विश्वविद्यालय स्थापित हैं। और तीर्थ स्थान है यहाँ पे, वहाँ का तीर्थ स्थान है अयोध्या। ठीक है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसी बात थी इलाहाबाद प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय काफ़ी प्राचीन यानी कि यूपी का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, और
ठीक है, काफ़ी इलाहाबाद सॉरी केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा है, प्राचीनतम केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा है सबसे पहले स्टार्टिंग में। बीच में वो राज्य विश्वविद्यालय को भी घोषित हो गया था, फिर से केंद्र हो गया था, तो बार बार वो टर्म उसका बदलता रहा है, कभी राज्य हो गया कभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, उसके कोई नाम परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि आगरा विश्वविद्यालय स्टार्टिंग में आगरा विश्वविद्यालय आगरा के नाम से था, उसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा कर दिया गया था। ऐसे ही MJP बरेली यूनिवर्सिटी है, यानी महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम था रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। ठीक है, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। तो रोहिलखंड जो एरियाज है, जो लखनऊ वाली एरिया है, वो अवध प्रांत के नाम से जानी जाती थी। बरेली क्षेत्र रोहिलखंड में आता है, झांसी वाला क्षेत्र बुंदेलखंड एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो बुंदेलखंड अभी भी उसमें कुछ ज़िले हैं, जैसे झांसी, महुआ, ललितपुर, इधर के साइड के जो ज़िले हैं वो बुंदेलखंड एरिया उसमें आते हैं। ठीक है, चित्रकूट एक के पहुँचते हैं, तो चित्रकूट लगभग मिला हुआ है UP-MP के बॉर्डर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे एक महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय है, और सन 2000 के अप्रोक्सीमेटली 2002 में वहाँ पे पहला उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, विकलांग विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। ठीक है, तो वो क्या चित्रकूट के बारे में, और वहाँ पे जो है रामचंद्र जी ने निवास किया था चित्रकूट में, एक फटिक शिला वगैरह है। ठीक है, फटिक शिला, और ठीक वहाँ की अब आगे आते हैं दूसरा ज़िला बांदा। बांदा के बारे में हम शायद बता दिए हैं थोड़ा सा पॉइंट। बांदा में एक तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और एक कृषि विश्वविद्यालय भी संचालित किया गए हैं, जनरली काफ़ी जल्दी में ही संचालित हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं बनारस। बनारस के बारे में, बनारस प्राचीनतम नगरी माना जाता है बनारस को। बनारस में जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बनारस सिटी जो है गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और वहाँ पर यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से अलीगढ़ सिटीज जो फेमस है वो तालों के लिए फेमस है, अलीगढ़ का ताला फेमस है, और जो वहाँ पे एक मॉडर्न एक्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, यानी कि बाद में उसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही रामपुर के बारे में आते हैं, तो रामपुर में क्या है, मुद्रालय है उत्तर प्रदेश का, एंड एक लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, और रामपुर में फेमस है चाकू के लिए, रामपुरी चाकू के नाम से फेमस माना जाता है, जैसे मुरादाबाद है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल के बर्तनों का कार्य वहाँ पे होता है। ठीक है, अब बात आते हैं कि कुछ और ज़िले में आगे बढ़ते हैं, बरेली के बारे में कुछ हो गया। बरेली को जनरली बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बांस का काम काफ़ी उद्योग के रूप में वहाँ पे किया जाता है, बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फेमस रहा है। और लखनऊ के बारे में काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में है, जो लास्ट के जो नवाब के बारे में बता सकते हैं, और उसके क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, है ना, और उन नवाब वाजिद अली शाह थे, और ये जो भूल भुलैया का निर्माण किसने करवाया था, नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। ठीक है, बेगम हजरत महल जो 1857 की क्रांति में लड़ी थी, है ना, तो 1857 की क्रांति की प्रमुख रही थी, यानी कि 1857 की क्रांति की कमान बेगम हजरत महल ने लखनऊ से संभाली थी।
ठीक है। तो बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में काफ़ी फेमस है, काफ़ी में बना हुआ है। भूल भुलैया वहाँ की फेमस है। भूल भुलैया इसको बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है एंड छोटा इमाम बाड़ा, और एक पिक्चर गैलरी उसी के टर्म में साथ ही में लगी हुई है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और जो सीमा उसकी, जो लखीमपुर खीरी की जो लास्ट सीमा नेपाल बॉर्डर से टच होती है, उधर बहराइच जिले की भी सीमा नेपाल बॉर्डर से टच होती है। ठीक है ना, बलरामपुर, बलरामपुर बहराइच एंड लखीमपुर, इनकी जो सीमा नेपाल से टच होती है। ठीक है। और आगे कुछ ज़िलों के बारे में पढ़ते हैं। पीलीभीत है, वो भी बॉर्डर की टाइम में, बॉर्डर के टर्म में है उधर साइड में। ठीक है, यानी बरेली से आगे ऊपर की ओर यानी उत्तर दिशा में पीलीभीत जिला है, वो भी भारत की बॉर्डर सीमा पे लगा हुआ है, भारत नेपाल बॉर्डर की सीमा पे लगा हुआ है। ठीक है। कुछ आता है कि नदियों के बारे में, कौन से ज़िले में कौन सी नदियों का प्रवाह हो रहा है, तो वो तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा किस ज़िले में किस नदी का प्रवाह है। ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकल के चल रही है, किसके ज़िले से होके बह रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस लोग जानते ही हैं, मतलब फेमस फेमस जो स्थान है वो तो यूपी में कहाँ कहाँ पे बह रही है, कितनी दूरी में बह रही है। तो जैसे कि हरिद्वार जिले से निकलते हुए, हरिद्वार से पहले ऋषिकेश में होती है, वहाँ तक मैदान पहाड़ी भाग होता है वहाँ, उसके बाद मैदानी भाग जो आता है वो हरिद्वार जिला आता है, वहाँ से सीधा जिला बिजनौर होते हुए एंटर करती है। ठीक है, बिजनौर से एंटर करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, फिर आगे निकलती है गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर ये एरिया आता है, उसमें गढ़ मुक्तेश्वर आता है हापुड़ जिला। ठीक है, हापुड़ उधर हापुड़ से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हापुड़ बदायूं फर्रुखाबाद के आसपास से वो निकलते हुए, ठीक है, और आगे चल के कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद पहुंचती है। ठीक है, फर्रुखाबाद के आसपास इसमें रामगंगा नदी जो मुरादाबाद और बरेली के बीच में बहती है, वो भी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसे ही आगे से जो घाघरा नदी आ रही होती है, जो फैजाबाद, फैजाबाद नहीं कह सकते, बाराबंकी साइड में आते आते आगे चलकर यानी कि गंगा नदी में जौनपुर के आसपास, जौनपुर के आसपास जाके मिल जाती है। और जो ये नदी है गोमती नदी, गोमती नदी सुल्तानपुर होते हुए आगे चल के सुल्तान, लखनऊ से, लखनऊ से आगे सुल्तानपुर में जाके, सुल्तानपुर से आगे गंगा नदी में गिर जाती है। ठीक है, तो यानी कि बनारस से पहले पहले जो घाघरा नदी है, गोमती नदी है, सब गंगा नदी में मिल जाती है। उधर से यमुना नदी इलाहाबाद में संगम करती है, यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये सभी नदियाँ आगे बनारस में यानी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक यानी कि उसके बाद बनारस से आगे यानी यूपी का लगभग एंड होने लग जाता है, उसके आगे बिहार में चली जाती है। ठीक है, बिहार में भी इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके आगे चलकर यानी कि जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को पद्मा नदी के, पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ फेमस चीज़ें जैसे कि कुछ ज़िलों के फेमस स्थान, जैसे कि बाराबंकी की बात हम करते हैं तो देवा शरीफ, देवा शरीफ जहाँ पे एक जगह का ही नाम है देवा, वो वहाँ पे एक देवा मतलब एक मज़ार टाइप है, काफ़ी फेमस स्थान है, देवा शरीफ के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सीतापुर में एक क्या है शक्तिपीठ है, सीतापुर में नैमिषारण्य शक्तिपीठ है, काफ़ी फेमस शक्तिपीठ है। ठीक है, तो वहाँ से दूर दूर के लोग श्रद्धालु लोग वहाँ जाते हैं। और जो हमारे तीर्थ स्थान हैं वो पिछले वीडियोस में किसी में बताए भी हैं, जैसे कि प्रयाग है, नैमिषारण्य है, देवा शरीफ है, देवी पाटन है। ठीक है, इस तरह से ये हैं। आगे बात आती कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर साइड है, गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर है।
ठीक है, गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, मदन मोहन मालवीय एमएमएम इंजीनियरिंग कॉलेज है जो, ठीक है, ऐसे ही इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है, और एमएमएम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज एंड डीडीयू गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में स्थित है, एंड पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है, ठीक है। जौनपुर नगर काफ़ी प्राचीन रहा और जिसकी स्थापना जोना खां के द्वारा कराई गई थी, ऐसी आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कराई गई थी।